अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं ईदी का ब्लॉग लेकर आई हूँ। मेरी बेटी की ईदी आई थी, उसके ड्रेस मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ कि क्या क्या चीज़ें इसकी आई थी ईदी में। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर ड्रेसेस हैं, क्या हैं। बिन सईद का ये ड्रेस था जो रेडीमेड है, इसके साथ ये बैंगल्स वगैरह हैं गोल्डन चूड़ियाँ जैसे, और ये लॉन का सूट था, ये भी बड़ा प्यारा सा है माशाल्लाह से। अभी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी खोलकर इनको। इनके साथ मेहंदी थी, चूड़ियाँ थी, ये चप्पल ली हुई थी स्टाइलो की, ये मेरी बेटी की पसंद की ही थी, और ये इनके खाने के लिए चीज़ें थी नाश्ते की जैसे निमकोज वगैरह जो होते हैं ये खाते हैं बच्चे। और ये कार्ड बनाया था इनकी सिस्टर इन लॉ ने, यानी कि मेरी भांजी ने ये कार्ड बनाया था अपनी भाभी के लिए। और ये एक ड्रेस ये था माशाल्लाह से, बड़े प्यारे कपड़े थे और अच्छे लग रहे थे। मैंने यही सोचा कि सबसे अपनी खुशी शेयर करूं। और परफ्यूम वगैरह ये सब कुछ रखे हुए थे अलग बॉक्स में साइड में। ये देखिए ये वाला ड्रेस अभी आपको दिखाती हूँ खोलकर कैसा है। ये बहुत ही प्यारा था, ये भी कलर बहुत प्यारे थे इसके, और इस पे ये देखिए ये इसके भी बहुत प्यारे कलर थे। अभी मैं एक एक खोलती जाऊंगी, थोड़ी सी वो पैकिंग सी हुई भी थी तो रंगरेज़ था ये। और ये बिन सईद का था, लॉन स्टफ में थे ये, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मियां हैं तो इस हिसाब से थे। बहुत प्यारे इनके डिज़ाइंस थे। ये मैं एक एक चीज़ आपको सही से दिखा रही हूँ कि ये थी चप्पल सैंडल फ्लैट में थी ये, और ये था क्लच, ये भी बहुत अच्छा था, सब मेरी बेटी की पसंद का ही था सामान। तमाम सामान मेरी बहन ने जो लिया वो इनकी पसंद का ही लिया। ये देखिए ये कितना प्यारा सा लग रहा है, कलर कितने खूबसूरत से आ रहे हैं इसमें, और ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी इसके ऊपर। साथ में इसका ट्राउज़र था, ये स्टिच था ये, और ये दुपट्टा था इसका, बहुत प्यारा सा था, हल्का सा था, बिल्कुल लॉन में था और बड़े प्यारा लग रहा था। ये मैं फिर अपनी भाभी को देती जा रही थी कि आप पैक कर दें वापस, वो फिर कर रही थी। ये रंगरेज है शायद, यही कुछ नाम है इनका माशाल्लाह से, तो ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था। इतने ब्रांड हैं कि मुझे नाम ही हो जाते हैं, भूल जाती हूँ मैं, इतने ज़्यादा होते हैं कभी कोई क्या कोई क्या। तो बस ये देखिए ये अनस्टिच था, तो स्टिचिंग तो मैं कर ही लेती हूँ खुद ही, आपको पता है। ये ट्राउज़र है इसका, इतना प्यारा सा लग रहा था स्ट्रिप्स में, देखें इसका ट्राउज़र था और ये इसका दुपट्टा था साथ। और ये फिर तीसरा जो था वो दिखाऊं मैं आपको, कुर्ती थी इसके अंदर, कुर्ती और मेरे ख्याल में दुपट्टा था। ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे इसका प्रिंट भी, ये महक ब्रांड का था कोई, मैं सोचूं ना नाम मुझसे थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो ये है कुर्ती का फ्रंट और बैक, और ये स्लीव्स हैं साइड में स्ट्रिप्स में जो आ रही हैं, प्यारा सा प्रिंट है ये बहुत। ये इसका दुपट्टा है, बड़े अच्छे से कपड़े थे, हल्के हल्के से लॉन के, प्यारे से, सिंपल से भी और अच्छे से भी। और पर्स था इसके अलावा, ये देखिए ये इनके लिए परफ्यूम था, और ये मैचिंग का ज्वेलरी वगैरह कुछ थी जो ले ली थी इन्होंने, मेरी बेटी ने अपनी पसंद से ले ली थी खाला के साथ जाकर, तो ये वो सब चीज़ें हैं।
बस बच्चियों की यही खुशियाँ होती हैं, और क्या चाहिए होता है इनको, बस यही कुछ मिल जाए, इनकी खुशी पूरी हो जाए बस। और दुआ करिएगा अल्लाह ताला नसीब भी अच्छा करे, और अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करें। और ये देखिए निम्को वगैरह, तो ये तो लाजमी सी चीज़ होती है जो इनके लिए आई थी ख़ासकर, जैसे वो देते हैं ना ईदी में, सेवैयाँ हो गई और चीनी हो गई, ये वो सब चीज़ें उनके बजाय मेरी बहन ये लेकर आ गई थी कि चॉकलेट्स वगैरह भी ये शौक़ से खा लेगी इस वजह से। बस जी बहुत अच्छा सा दिन था माशाल्लाह से, फिर हमने मिलकर इफ्तारी की थी, बहुत इंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था इस दिन। अब इफ्तार का टाइम जो आ गया है तो वो देखिए हमने बना लिया था, क्या क्या कुछ मिलकर मैंने और मेरी बेटी ने, पकोड़े थे इसके अंदर, पास्ता था ये बड़े वाले डिश में, और ये आलू के जो बनाए हुए थे हमने गोल गोल से आलू बंडे, क्या कहते हैं उसको, बॉल्स जो होते थे पोटैटो, और ये चिली बाइट्स थे, इस तरह की चीज़ें थी माशाल्लाह से बहुत।